तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी कल एक वीडियो बना के बताया था कि सैमसंग के बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट ने वार्न करा है कि सैमसंग के अगर आप हैंडसेट चला रहे हैं तो आपको वहाँ पर सिक्योरिटी को अपडेट करके रखना है। तो आज की वीडियो भी उसी की तरह है दोस्तों। आपको पता होगा सैमसंग गैलेक्सी में वन यू 6.0 के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है या एक फीचर इनबिल्ट कर दिया गया है ऑटो ब्लॉकर के नाम से, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ क्या यह फीचर है। और उसके अंदर एक नया अपडेट भी आया है जो आपको सब आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो ब्लॉकर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जाना है आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। एंड देन आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑटो ब्लॉकर, जो कि पहले नहीं आता था, अभी रिसेंटली ही इसको एड ऑन किया गया है। तो ये क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करता है सब आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें, इसके अंदर एक नया अपडेट आया, तो उसको अबाउट फोन में जाके आपको अपडेट अवेलेबल दिख रहा होगा, तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। क्योंकि जब भी ऐसा अपडेट आता है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐप है, तो आपको इसको अपडेट करना चाहिए। अब बात करें इसके अपडेट्स की और इस फीचर की, आप यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट को रिलीज किया गया है 5 दिसंबर को, और इसका काम क्या है, इस ऐप का काम क्या है। ऑटो ब्लॉकर प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर योर एप्स एंड डाटा ऑफ ट्रेंडिंग अननोन ऐप फ्रॉम बीइंग इंस्टॉल्ड। मतलब कि ऑटो ब्लॉकर एक ऐसा एक और आपकी सिक्योरिटी का एक और लेवल देती है, जो कि आपके अननोन ऐप्स जो आपने इंस्टॉल करी हुई है वो आपके डेटा या आपके कुछ भी चीज़ को ना एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए ये काम करता है। इसके अंदर मालवेयर चेकिंग करता है, मतलब कोई भी ऐसा कोई वायरस तो नहीं है जो कि आपके डेटा को हैक कर रहा है, उसको चेक करेगा। ब्लॉकिंग करता है अननेसेसरी कमांड, मतलब कि अगर तो ये चेकिंग करता है कि अगर आपने कोई कंप्यूटर से कनेक्ट करा है या कहीं अननोन जगह आपने मोबाइल को कनेक्ट करा हुआ है, तो उसकी तरह कोई ऐसी कमांड तो नहीं आ रही जिससे आपका डेटा कहीं लीक होने वाला है, तो वो भी आपको बचाता है। और साथ में ये क्या काम करता है, ये सिर्फ वन यू 6.0 पे ही काम करता है। अब एक्चुअल में कैसे वर्क करता है वो भी आपको बता देते हैं। ये अपडेट हो ही गया है, अपडेट होने के बाद मैं आपको पूरी इसका ब्रीफिंग बता देता हूँ। और बहुत ही अच्छा फीचर है, जैसा कि कल सीईआरटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके हिसाब से तो आपको इस ऐप को अपडेट करके रखना चाहिए और ऑन भी करना चाहिए। आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, अपडेट कर लिया, अपडेट करने के बाद वापस जाए सेटिंग्स पे जाने के बाद वापस जाना है आपको यहाँ पर डिवाइस एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे। एंड देन जाना है आपको ऑटो ब्लॉकर पर, देन जाना ऑटो ब्लॉकर पे। ऑटो ब्लॉकर पे जाने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट ही ऑफ रहता है, आपको उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद क्या करेगा ऑटो ब्लॉकर, कीप योर फोन सेफ ब्लॉकिंग थ्रेट्स एंड अदर सस्पिशियस एक्टिविटी। तो ये आपके मोबाइल को थ्रेट्स एंड अदर सस्पिशियस एक्टिविटी को बताएगा। ब्लॉक्स ऐप फ्रॉम अनऑथराइज सोर्सेज, मतलब कि ओनली फ्रॉम ऑथराइज सोर्सेज कैन बी इंस्टॉल। अब क्या होगा, जब भी आप इसको ऑन कर लेंगे तो कहीं से भी थर्ड पार्टी से आप ऐप इंस्टॉल कर ही नहीं पाएंगे, ओनली ऑथराइज सोर्स से ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो आपको लर्न पे क्लिक कर लेना और वो आपको बता भी देगा कि कैसे ये वर्क करेगा। इंस्टॉल एप्स फ्रॉम द सोर्स पुट योर फोन एट रिस्क, सब ऑफ कर दिया। आप देख रहे हैं आप कहीं से कहीं ऑन ही नहीं कर सकते कि कोई भी आपके मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर सके। तो ये फीचर भी बहुत शानदार है। कभी कभार होता है ना ऑटोमेटिक कहीं से भी ऐप डाउनलोड हो जाती है, आपने इंस्टॉल नहीं करी हो, तो उसके लिए अलग फीचर बहुत ही कम है। उसके बाद बात करें नीचे एक और फीचर है, टर्न ऑन ऐप सिक्योरिटी चेक्स, मतलब कि एप्स इंस्टॉल्स योर फोन विल बी चेक्ड फॉर मालवेयर एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटी को सर्च करता है और सारी एप्स को चेक करता है ऐप प्रोटेक्शन सेटिंग, मतलब ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगी ऐप, ये ऑटोमेटिक आपके स्कैन होगी डेली एप्स और डेली उसके अंदर इंस्टॉलिंग एप्स और एप्स जो भी सब चीज़ें हैं सारी चेक करेगा, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब आप उसको ऑफ ही नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक वो चेक करता रहेगा उस प्रोटेक्शन को भी, ताकि आपके मोबाइल में कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। उसके बाद ब्लॉक कमांड्स बाय यूएसबी केबल, मतलब जब भी आप यूएसबी केबल से कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन को, तो वहाँ पर जो भी कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो डेटा लीक कर सकती हैं, डेटा एक्सेस कर सकती है, उनको यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। उसके बाद आपको अलग से भी यहाँ पर एडवांस फीचर दिया गया, चाहें तो उसको आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं। मैसेज ऐप प्रोटेक्शन, ब्लॉक इमेजेस सस्पेक्टेड ऑफ कंटेनिंग मालवेयर इन दिस मैसेज ऐप, मतलब कि कुछ ऐसे इमेजेस या कुछ ऐसे कुछ आपको कुछ मालवेयर आते हैं तो वो उसको भी यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक सॉफ्टवेयर अपडेट बाय यूएसबी केबल, तो ये फीचर बहुत भी शानदार है,
कि अगर कोई आपके मोबाइल को कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहता है आपके मोबाइल का, तो वो भी नहीं कर पाएगा जब तक आपने इसको एक्सेस कर रखा है. मतलब प्रिटेंडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजिंग अ यूएसबी केबल, दिस कैन बी प्रिवेंट समवन विच फिजिकल एक्सेस टू योर फोन फ्रॉम अनइंस्टॉलिंग मैलवेयर विदाउट. मतलब कि ओवरऑल आपके डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए ये वाला काम करता है ऑटो ब्लॉकर, तो आपको इसको डेफिनेटली ऑन करना चाहिए और ये बहुत ही फायदेमंद है. तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच दोस्तों. उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं. और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, और साथ में मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले. थैंक यू.